डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट लेक्चर जो है आपके कॉफ़ी जो क्रॉप है उसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किन किन क्षेत्रों में विश्व की वो उगाई जाती है उसके ऊपर डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो है इसका परिचय देखते हैं। तो कॉफ़ी या इसको हिंदी में जो है कहवा कहते हैं, आपका जो है रिफ्रेशिंग या एनर्जेटिक पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक भी माना जाता है आपका। तो काफ़ी पॉपुलर जो है ड्रिंक है आपका ये, और मोस्टली जो है गर्म हॉट सर्व किया जाता है, जो कि जो है आपके कॉफ़ी के जो पेड़ होते हैं या जो आपके बेरीज जो होती हैं आपकी, उनकी जो बीज होते हैं उनको जो है आपके जो है हल्का सा भून करके या जो भी है उससे जो है आपका बनाया जाता है। और इसमें जो है कैफीन नामक एलिमेंट होता है जो लाइट हल्का सा जो है रिफ्रेशिंग या जो है उत्तेजक या उद्दीपक सा जो है प्रभाव आपका डालती है। तो हालांकि वैज्ञानिकों का इसके बारे में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु मोस्टली जो है ये आपका जो है रिफ्रेशिंग ड्रिंक माना जाता है, आपका हल्का सा नशा करता है। तो ये जो है इथियोपिया में कफा क्षेत्र है, वहाँ पे जो है सबसे पहले इसको पाया जाता था, तो इस पाया गया था, तो इसके कारण जो है इसको कॉफी कहा जाता है। ये आपके डार्क कलर का पेय होता है और लगभग जो स्टार्टिंग हुई थी इसके ड्रिंक्स की वो जो है 15वीं शताब्दी के बाद हुई थी। उसके बाद कॉफ़ी की जो है किस्में देखते हैं, तो कॉफ़ी की जो है 60 से अधिक किस्में हैं, परंतु उनमें से जो है दो का ही आपका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है या कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, वाणिज्यिक महत्व है। तो पहली जो है काफ़ी अरेबिका, और ये जो है मूल रूप से इथियोपिया की है और पूरी दुनिया में जो है उगाई जाती है। दूसरी जो वराइटी है वो आपकी काफिया कैनेफोरा या रोबस्टा, पॉपुलर नाम है इसका, रोबस्टा से जानी जाती है। इसको जो है कांगो में खोजा गया था रोबस्टा को, और वहाँ से जो है पूरी की पूरी ट्रॉपिकल अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम और से आगे के क्षेत्रों में फैल गई थी। वहाँ पे उनकी खेती करना, प्लांटेशन आपकी जो है स्टार्ट हो गई थी आपकी। इसके अलावा जो है काफी लिबेरिया भी है जो है आपकी, तो वो जो है आपके रीजनल क्षेत्र में ही उगाई जाती है, ज़्यादा कुछ उसका फैलाव नहीं है। इसके बाद जो है काफ़ी अरेबिका जो है विश्व में जो है 65% के करीब जो है काफ़ी अरेबिका उगाई जाती है, और 35% के करीब जो है काफ़ी कैनफोरा उगाई जाती है। अरेबिया का जो स्वाद है वो मिल्ड होता है या हल्का होता है, और रोबस्टा जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है। फ्लेवर जो है अरेबिका का नॉर्मल ये मिल्ड होता है, और रोबस्टा का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। उसके बाद भौगोलिक दशाएं देखते हैं कि भाई कॉफ़ी के जो पौधे के लिए जो है भौगोलिक दशाएं कौन कौन से अनुकूल हैं। तो जलवायु अगर हम देखें तो कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल प्लांट है, और जो ट्रॉपिकल बेल्ट है यानी कि 0 डिग्री या इक्वेटर से जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि आपकी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा की जो बेल्ट है उसके बीच की बेल्ट में जो है ये उगाया जाता है, और उनमें भी जो है ये उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पे आपके जो पहाड़ी ढलान हो और काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता ही है। तो पेड़ को जो है गर्मी, आर्द्रता और काफ़ी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। तो तापमान अगर हम देखें तो 20 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में जो है औसत तापमान इसके लिए ज़रूरी है। और परंतु ये जो है अरेबियन जो है आपके प्रायद्वीप है वहाँ पे जो है 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान में भी जो है ग्रो करता देखा गया है। गर्म और बारिश के मौसम में जो है सबसे तेज़ी से ग्रोथ करता है आपका ये, और ठंडी और ड्राई जो मौसम होता है वो फल के पकने के लिए और जो बेरीज होती हैं उनको चुनने के लिए आपकी जो है प्लकिंग के लिए आवश्यक होता है आपका। तेज़ धूप और गर्म मौसम जो है आवश्यक होता है ट्राई के लिए आपके। दोनों किस्मों के लिए बढ़ने का जो है तापमान अलग अलग है, इसमें भी यहाँ पे जो अरेबिका के लिए जो है ये 15 से 24 डिग्री सेल्सियस है, और रोबस्टा के लिए जो है ये आपके 24 से 30 डिग्री सेल्सियस है। पाला जो है कॉफी की फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है आपको। उसके बाद वर्षा देखें तो वर्षा टी की तरह जो है, चाय की फसल की तरह जो है कॉफी को भी जो है काफी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा पूरे साल होनी चाहिए इसकी। यहाँ पे भी जो पहाड़ी ढलाने जो पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं, ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है वो कॉफी की खेती के लिए सबसे अच्छे हैं। यहाँ पे भी पानी जो है इनके अंदर नहीं खड़ा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो मुख्य एलिमेंट है वो आपका जो है छाया। कॉफी के जो पौधे होते हैं उनके लिए जो है डायरेक्ट
सनरेज हानिकारक होती है, सीधी धूप नुकसान करती है, तो इन्हें जो है छाया पेड़ों के साथ छाया में लगाया जाता है, यानी कि पेड़ों की छाया में लगाया जाता है, जैसे कि केले वगैरह जो हैं जिनके पत्ते अच्छे बड़े फैलते हैं। तो और ब्राजील में तो जो है फलीदार जो पौधे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है इनके साथ, जो छाया के साथ साथ जो है जमीन में नाइट्रोजन की भी प्रचुर मात्रा जो है इसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। टोपोग्राफी अगर हम देखें नेक्स्ट जो है आपका, तो कॉफी जो है जनरली जो है 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ढलानों पर उगाई जाती है, और ये ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के जो है मूल पौधा है। और अरेबिका, अब यहाँ पे भी दोनों किस्मों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अरेबिका के लिए जो है सबसे अच्छी जो कंडीशन होती है वो समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई जो है बेस्ट होती है, और रोबस्टा के लिए सी लेवल से जो है 100 से 700 मीटर की ऊंचाई बेस्ट मानी जाती है। अब यहाँ पे जो है जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती जाती है जो कॉफ़ी की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जाती है आपके यहाँ पे। कॉफ़ी के लिए जो है ढलाने बेस्ट होती हैं, सूखी रहती हैं और ठंडी भी रहती हैं, पानी का ठहराव नुकसानदायक होता है, ऑलरेडी जो है इसके ऊपर बता चुका हूँ, और इसीलिए जो है इनको जो है पहाड़ी ढलानों के ऊपर ही उगाया जाता है। उसके बाद जो है मिट्टी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके जो है, और यहाँ पे जो है आपकी अच्छी जल निकासी के साथ साथ जो है एक भुरभुरी मिट्टी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमस और नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होना चाहिए मिट्टी में, और इसके लिए जो बेस्ट मिट्टी मानी गई है वो आपकी जैसे ब्राज़ील की टेरा रोक्सा जो मिट्टी है, जो अच्छी तरह से सूखी हुई ज्वालामुखी की मिट्टी है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटास की मात्रा और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा है, यानी कि मिनरल्स और ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होना चाहिए इस मिट्टी के अंदर कॉफ़ी के फसल लेने के लिए। उसके बाद जो है लेबर है भाई, लेबर जो है आपकी बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है कॉफ़ी की खेती के लिए, क्योंकि कॉफ़ी की जो फसल है उसको हाथों से जो बीन्स सॉरी जो आपके बेरीज होती हैं इसके जो फल लगते हैं उसको हाथों से चुना जाता है, और इसके लिए कोई मशीन काम कर नहीं सकती। इसके अलावा जो है पूरे साल खेत तैयार करने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे खेत की तैयारी है, उसके बाद रुबाई करना होता है, उसके बाद जो है छटाई होती है, निराई होती है और कटाई जो होती है, तो ये जो है श्रम गहन खेती है आपकी। पूंजी, अब पूंजी की भी जो है काफ़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि 3 से 4 साल के दौरान जो जब आपके पौधा उगाया जाता है, बोया जाता है, आपका कॉफ़ी का प्लांट लगाया जाता है, तो शुरुआत के 3 से 4 वर्षों के दौरान जो है कोई जो है आपकी फसल प्राप्त नहीं होती और खर्चा पूरा लगता है इसके ऊपर निराई गुड़ाई के दौरान, तो रिटर्न शून्य होता है और वह एक्सपेंडिचर आपका जो है ज़्यादा है, इसलिए जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कॉफ़ी की खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर हम देखें कॉफ़ी का विश्व वितरण देखें तो आपको जो है टेबल दिखाई देगी यहाँ पे आपके जो है, तो विश्व में लगभग जो है 111.36 हेक्टेयर जमीन के ऊपर जो है खेती के कॉफ़ी की खेती की जाती है, और वार्षिक जो उपज है लगभग 65 लाख मीट्रिक टन है। और अगर मुख्य उत्पादक देश देखोगे तो आपके जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है ब्राज़ील है, तो लगभग विश्व का 25% कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोलंबिया है जो विश्व के लगभग 10% कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है, वियतनाम 7.5%, इंडोनेशिया 7%, आइवरी कोस्ट जो है आपके जो है 5.6%, मैक्सिको 4.6%, भारत 4%, इथियोपिया 3.5%, ग्वाटेमाला 3%, उगांडा 3%, होंडुरास 2.5%, बाकी जो है काफ़ी कम मात्रा में जो प्रोडक्शन करते हैं कोस्टा रिका है, पेरू है, एल सेल्वाडोर है, फिलीपींस, मेडागास्कर, कैमरून और कांगो रिपब्लिक जो है। तो सबसे पहला जो देश है आपका, आपको मैप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साइड में, सबसे जो पहला देश है आपका वो है ब्राज़ील है, और सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व के लगभग जो है 25% के करीब कॉफ़ी का उत्पादन करता है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े बागानों में जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है जिसे फेजेंडा कहते हैं। प्रमुख जो उत्पादक राज्य है आपके यहाँ पे साओ पोलो है, ठीक है, ये वाला जो आप कर्सर पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद रियो डी जेनेरो है ये यहाँ पे, उसके बाद मिनास जेरास है ये वाला यहाँ पे,
इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है अन्य भी क्षेत्र हैं आपके यहाँ पे, सुल है जैसे आपके पुराना जो है, तो ब्राजील में जो है और जो पठार है आपका उसके वेस्टर्न जो स्लोप्स हैं वहाँ पे जो है कॉफी की खेती की जाती है, और विश्व का जो है 20% यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है कैसी खेती का जो क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा जमीन पर भी ब्राजील में ही लगभग 20% जमीन विश्व की टोटल जमीन का कॉफी की खेती जो है की जाती है ब्राजील के अंदर। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कोलंबिया है, जो कि विश्व का जो है 10% कॉफी का प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पे जो है यहाँ की जो राजधानी है यहाँ पे जो बोगोटा, बोगोटा का जो राजधानी है इसके जो है पश्चिम ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है आपका। इसके अलावा जो ब्राजील और कोलंबिया के अतिरिक्त जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप के जो ये जैसे वेनेजुएला है आपका और इक्वेडोर, यहाँ पे इक्वेडोर है, ये भी जो है आपके प्रमुख उत्पादक देश हैं। उसके बाद जो है कैरेबियन आइलैंड्स, ये वाले जो है आपके कैरेबियन आइलैंड्स हैं ये वाले, और सेंट्रल अमेरिका ये वाला जो क्षेत्र है ये सेंट्रल अमेरिका होता है। इनमें जो मुख्य उत्पादक देश है आपके जैसे हैती है, उसके बाद जो है जैसे जमैका है आपके, यहाँ पे ग्वाटेमाला है, ठीक है, क्यूबा है, प्यूर्टो रिको है, उसके बाद जो है एल सेल्वाडोर है, ठीक है, ये सारे जो देश हैं प्रमुख उत्पादक देश हैं आपके कि यहाँ पे आपका केन्या है, युगांडा है, ठीक है, तंजानिया है, मेडागास्कर है और कैमरून है, ठीक है, आइवरी कोस्ट है, केन्या है, केन्या तो तंजानिया है, ठीक है, अंगोला है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया जो है दक्षिण पूर्वी एशिया और साउथ एशिया जो है, तो उसमें जो है आपके इंडोनेशिया में जो है ये सुमात्रा और जावा और वाला जो मैप है आपका, ठीक है, ये आइलैंड्स हैं। और श्रीलंका में जो है यहाँ पे श्रीलंका में जो सेंट्रल हाईलैंड है या मध्य जू में है ये क्षेत्र है आपके। और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं, गोवा डिस्ट्रिक्ट है आपका, नुवारा एरिया डिस्ट्रिक्ट है, डिम्बुला डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका में आपके। भारत में अगर हम देखें तो नीचे जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक कॉफी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है आपके। उसके बाद अगर हम कॉफी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो कॉफी के जो देश प्रोड्यूस करते हैं, कॉफी को प्रोडक्शन करते हैं, उन क्षेत्रों में इसकी बहुत कम खपत है। तो विश्व की कुल जो कॉफी प्रोड्यूस होती है उसका जो है 70% निर्यात किया जाता है। प्रमुख जो निर्यातक देश है आपके वो है ब्राजील है जो लगभग 23% कॉफी का निर्यात करता है विश्व की, कोलंबिया 14% विश्व की कॉफी का निर्यात करता है, उसके बाद आइवरी कोस्ट 8%, इंडोनेशिया 6%, मैक्सिको 5%, एल सेल्वाडोर 4%, युगांडा 3%, ग्वाटेमाला कैमरून और भारत भी जो है मेडागास्कर, भारत कीनिया और मेडागास्कर अंगोला आदि देश भी जो है निर्यात करते हैं कॉफी का। प्रमुख जो आयातक देश है मोस्टली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो सबसे ज्यादा कॉफी का आयात करता है, लगभग 25% कॉफी का आयात करता है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री जब वो प्रमुख ग्राहक है इसके कॉफी के, चाय और कॉफी दोनों के प्रमुख ग्राहक है साथ, तो जर्मनी जो है 15% के करीब कॉफी का आयात करता है, उसके बाद फ्रांस 8%, जापान 5%, नीदरलैंड 4%, इसके अलावा इटली, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और बेल्जियम भी जो है कॉफी का आयात करते हैं। तो ये था जी भाई आपका कॉफी का वर्ल्ड स्पेशलिस्ट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। थैंक यू।